अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हमारा व्लॉग है म्यूजियम पे, नाथू स्क्वायर पे म्यूजियम जो मौजूद है, जिसमें ट्रेडिशनल काफ़ी वर्सा वगैरह अंदर, तो आपको म्यूजियम की सैर कराते हैं और थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह भी अच्छी बताएंगे। तो गाइस आज हम आपको विजिट कराएंगे म्यूजियम, नाथू स्क्वायर के साथ ही जो म्यूजियम है वो विजिट कराएंगे। टाइम कम था और व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया, तो हमने कहा दो व्लॉग अलग अलग करेंगे, म्यूजियम का अलग बनाएंगे और नाथू स्क्वायर का अलग बनाएंगे। लातूर स्क्वायर का हम पहले अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। ली जा रही है, स्टूडेंट टिकट ली है, वो काफ़ी चीप होती है, और अगर विजिटर टिकट है तो काफ़ी महंगी होती है। ओके जी, एंटर होते हैं म्यूजियम के अंदर। 40 मिनट्स रह गए, चलो जल्दी से टाइम यूटिलाइज करते हैं। गाइस म्यूजियम की एंट्री, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं इस म्यूजियम में और खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इधर स्क्रीन पैनल लगा हुआ है, इधर आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, और इधर इंग्लिश लैंग्वेज भी है, किर्गिज लैंग्वेज भी है, रशियन लैंग्वेज भी। हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जो भी अगर बिश्केक वासी अगर आए यहाँ पर और कुछ भी सर्च वगैरह करना चाहें तो ईजीली आप ये पुराने इनके मैप्स वगैरह काफ़ी एंशिएंट मैप देखना चाहें, जो हिस्ट्री हम आपको मतलब हल्का हल्का रिव्यू देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको बताया काम है, साथ मूव ऑन करते रहेंगे। ये इनकी ट्रेडिशनल 1898 से लेकर 1916 तक के एरा की वीडियोस हैं, ये जंग की वीडियो दिखा रहे हैं इधर, और आगे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं, मूव ऑन करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये इनके कुछ वेपन्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किर्गिज में लिखा हुआ है, और ये 20वीं सेंचुरी के वेपन्स हैं। ये नीचे वाला वेपन जो है ये तो टूटा हुआ ब्रोकन हुआ है, साथ ये भी गन्स वगैरह, ये स्वॉर्ड, ये देखेंगे इनकी तलवार है, ये भी 20वीं सेंचुरी का सेम। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं पुराने कदीम, मेडिकल में जो यूज होते थे, और ये ज्योमेट्री सामान पड़ा है पुराना, और ये पुरानी पेंटिंग है भी। ये इनका कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है, साथ जैसे पाकिस्तान में खुसा टाइप होते हैं ऐसे खुसे वगैरह, ये प्लेट्स वगैरह, ये किर्गिज के हैं, ठीक है, और ये रशियन के नहीं है मेन, और ये सिलाई मशीन वगैरह पाकिस्तान में भी, जैसे कि ये कोयले पर चलने वाली आयरन बेल्ट वगैरह, हम ट्राई करेंगे थोड़े से टाइम में जितना इनका विरसा आप तक पहुँचा सकें। स्लाइड टाइप मशीन है, कपड़ों वाली है कोई। ये गाइस कुरान मजीद पढ़ा है इधर, और तस्बीह वगैरह, और ये वजू करने के लिए बर्तन वगैरह, और काफ़ी इस्लामिक पुरानी किताबें पढ़ी हैं कदीम, ये जाए नमाजें पढ़ी है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम रियासत थी, तो मुस्लिम वरसा भी काफ़ी उन्होंने संभाला हुआ है। और इधर आप ये करेंसी देख सकते हैं, इनके सिक्के वगैरह पुराने कदीम पढ़े हैं, और ये नोट वगैरह, तो ये इनके लीडर्स की तस्वीरें हैं, और ये पुरानी कदीम घड़ी वगैरह पड़ी है, काफ़ी इन्होंने पुराना कदीम वरसा संभाला हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा करके लोग बाज वगैरह उकाब जाने के जैसे बोलते हैं, काफ़ी पालते हैं, और ये उनके ये पंजे प्रिजर्व फार्म में पड़े हैं इधर, और ये इनकी ऑर्नमेंट टाइप आप कह सकते हैं, पुरानी छड़ी पड़ी है, ढोल टाइप कुछ पड़ा है, दफ पड़ा लेडीज़ के लिए, ये आप देख सकते हैं, और सब कुछ ज्वेलरी टाइप, और ये ताज वगैरह बेल्ट पड़ी हुई है लेडीज़ की, और थ्रेडिंग का सामान वगैरह सारा पड़ा है, घोड़ों के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, घोड़े के कंघियाँ और ये सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, और इधर अगेन खेती बाड़ी का सामान पड़ा है, ये आप पुरानी कदीम चक्की समझ लें, जैसे पत्थरों की चक्की है, आटा जिससे निकाला जाता था, कुछ कालीन टाइप है, ये ना मतलब पाकिस्तान में तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये इन्होंने काफ़ी संभाल के रखी है। देख सकते हैं आप इधर से सारा व्यू, जस्ट एक स्क्रीन से आप ले सकते हैं, चेक करें लातूर।
ये आप देख सकते हैं इनके किर्गिज मामा। और ये गाइस इनके ट्रेडिशनल घर हैं, मतलब पहाड़ों वगैरह में लोग जो दूर रहते थे और वो इस टाइप के घरों में रहते थे। और चलते हैं अंदर से भी आपको दिखाते हैं इनके। ये अंदर से आप देख सकते हैं घर, कपड़े वगैरह काफ़ी कलरफुल यूज करते हैं, भूल वगैरह और जानवरों की खाल वगैरह कपड़े यूज करते हैं, इस टाइप के घरों में रहते थे। ये देख के आपको अतुल गाजी याद आ गया। बुद्धा का स्टैचू बैकग्राउंड में। गाइस बुक्स हैं, बुक्स से हमारी कुछ खास लगती नहीं, बुक्स वो भाई वॉफर मकदार में थी पर ना कुछ हमारी लगती है और उम्मीद है मैक्सिमम व्यूवर्स की भी नहीं लगती होगी। अल्लाह माफ़ करें मैं गलत बोल रहा हूँ, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये कुछ मेडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के मेडल्स हैं, सब कुछ किर्गिज में लिखा हुआ है। ये वो यूनिफॉर्म है जो बाहर आपको परेड दिखा रहे थे, गार्ड चेंज हो रहे थे इनके फ्लैग पे, तो ये उनका यूनिफॉर्म है, इधर म्यूजियम में भी लगाया हुआ उन्होंने। ड्रेस लगा हुआ है, सोल्जर ड्रेस लग रहा है क्योंकि इनके साथ सारी गन्स वगैरह हैं। और बैक पे ये देख सकते हैं इनके सोल्जर्स वगैरह के जो है ना जितने भी हैं फोटोज वगैरह लगी हुई हैं, ऊपर सारे स्वॉर्ड नीचे गन्स हैं डिफरेंट। ये क्या बस भाई म्यूजियम का विजिट हो गया डन, तो अभी टाइम भी हो गया म्यूजियम की क्लोजिंग का और बाहर जा रहे हैं। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।